आइए एक बार फिर मैं क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत आज हम लोग जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं एग्जाम्पल 5.9 पढ़ेंगे। मैं सुनील सर आपका स्वागत करता हूं, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहता है किसी स्थान के चुंबकीय या मयोतर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव 0.26 गॉस है एवं नमन कोण 60 डिग्री है। इस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या है? प्रश्न बहुत अच्छा है। कहता है किसी स्थान के चुंबकीय या मयोतर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव 0.26 गॉस है एवं नमन कोण 60 डिग्री है, तो इस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है। आपको बता दें जब पृथ्वी का क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र कहेगा तो इसको बी एच से प्रदर्शित करते हैं, हॉरिजेंटल कहा जाता है। जब पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र की बात करेगा तो इसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं, इसको वर्टिकल कहा जाता है। ठीक है, जब पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कहेगा तो बी ई से प्रदर्शित करते हैं, जब कोण कहेगा तो इसको थीटा से प्रदर्शित करते हैं। और आपको बता दें जब भी आपके इस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं तो उसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो आइए आप देखिए यहाँ से क्वेश्चन में दिखा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, तो आप इसको एच ई से भी दिखा सकते हैं 0.26 गॉस है। ठीक है, और कॉस थीटा बराबर एच ई बटा में बी ई, ये क्षैतिज घटक, ये ऊर्ध्वाधर घटक चुंबकीय क्षेत्र का, तो कॉस थीटा बराबर एच ई बटा में बी ई, और आप क्षेत्र गुणा करेंगे यानी बी ई बराबर एच ई बटा में कॉस थीटा। एच ई का मान आपके पास है 0.26 और कॉस याद करो कॉस 60 के मान 1/2, और ऊपर आपका यहाँ पर बताते हैं 0.26 है और ऊपर लेके जाएंगे 2 ऊपर चला जाएगा, तो आप जब 26 में 2 से गुणा करेंगे 52, तो 0.52 गॉस। अगर आप इसको चाहते हैं कि टेस्ला में आए तो 0.52 से ही रखेंगे, 10^-4 से गुणा कर देंगे तो ये टेस्ला में आ जाए, यानी गॉस हटाने के लिए 10^-4 से आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से एक छोटा सा सवाल था जिसको हम लोगों ने हल किया। बाकी के हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।